सत श्री अकाल जी, बहुत स्वागत है आप सब दा सितारे की कहंदे ने प्रोग्राम विच। मैं जस्सी मान। देखो जी, जरूरी नहीं है कि तुसी बहुत ज़्यादा अमीर हो, तुहाडे कोल बहुत ज़्यादा पैसा है, तां ही तुसी दूसरियां दी मदद कर सकते हो। असल दे विच मदद वो भी हुंदी है जदों तुसी अपणियां दे नाल खड़ जाने हो, औखे टाइम विच उन्हां दे कोल होना, उन्हां नूं दिलासा देना, ते ये कहना कि कोई नहीं सब सही हो ही जाना है, ये असल विच सब तो वड्डी मदद है। पैसे नाल जां किसे चीज़ नाल तुसी हर चीज़ नहीं खरीद सकते, अपणियां दा साथ अंदरले मनोबल नूं वधा दिंदा है, ते उस दे नाल एक अजीब जही अंदर जीउण दी, ते नाल खड़े होण दी, ते नाल स्ट्रगल करन दी, ते मुसीबत तों निकलण दी पूरी तरह नाल पावर भी अपने अंदर बन जाती है। इस करके हमेशा हौसले विच रहना ते अपणियां नूं हौसले देना ही बहुत वड्डी मदद है। इह सी अज दा शुभ विचार। इसे शुभ विचार नाल आपां करदे हां प्रोग्राम की शुरुआत। जानदे हां पंचांग। 13 सितंबर 2022 दिन मंगलवार का रेती नक्षत्र तकरीबन सवेरे 6:36 तक, तो उस तो बाद अश्विनी नक्षत्र विच चंद्र महाराज मेष राशि विच चले गए। मेष राशि विच चंद्रमा की प्रभाव पाउणगे, क्योंकि राहु पहलां तो मेष राशि विच चल रहे ने, इस बारे चर्चा करांगे। भद्रा 10:38 तक रहेगी। पंचक अज सवेरे 6:36 ते समाप्त हो जाएगी, ठीक है जी। नाल ही श्री गणेश चतुर्थी का वर्त भी रहेगा अज दे दिन। श्राद्ध चल रहे ने जी, श्राद्धां दे दिनां विच वड्डे वडेरियां नूं याद करना, उन्हां दे नां ते कुछ ना कुछ दान करना शुभता देवेगा। जिन्हां दा भी अज दे दिन शुभ देना है तां तुसीं अज यानी कि मंगलवार वाले दिन लड्डू जां पर लड्डूआं दा प्रसाद धार्मिक स्थान ते चढ़ा सकते हो, बच्चों विच वंड सकते हो, नाथ आश्रम विच जाके फलां दा दान भी कर सकते हो, जां किसे जरूरतमंद नूं सब्जियां भी दे सकते हो, जां लंगर विच भी चढ़ा सकते हो, ठीक। आशीर्वाद ही लेना है ते जदों तुसी किसी भी एनर्जी का आशीर्वाद लेने हो तां उन्हां दा साथ तुहानूं मिल जांदा है। सब तो जरूरी है अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना, परिवार के नाल बहना, उन्हां दी एनर्जी नूं पॉजिटिव करना ते अपशब्द किसी नूं ना बोलना, ठीक। जानांगे तुहाडे सितारे ते नाल अज दे राहुकाल की गल की जाए तो तकरीबन मंगलवार वाले दिन 3 बजे तो लैके 4:30 बजे का टाइम राहुकाल का रहेगा। ग्रहां दे मुताबक जी ते नक्षत्र दे मुताबक चंद्र राहु दी युति दा प्रभाव दसांगे 12 राशियां ते की पवेगा ते किस तरह असीं नुकसान तों बच सकदे आं, क्योंकि किसे दे नाल भी तुसीं किसे तरह दी टक्कर ते लै ही नहीं सकदे, कुदरत दा मुकाबला तुसीं कर ही नहीं सकदे, बस उस मुताबक अपने आप नूं ढाल के उन्हां दे सुभाअ नूं समझ के नुकसान तों बच सकदे हो, क्योंकि इह धरती ते रहना है ते धरती शुक्र दी है ते शुक्र नाल ते बना के रखनी पैणी है ते बाकी ग्रहां नाल भी इसे तरह दा फल सानूं मिल जांदा है। सब तो पहला एरेज़ यानी मेष राशि वालियां दा अज दा दिन किस तरह दा जाएगा जी। चंद्र राहु दी युति लगन विच सेहत खराब करेगी, नज़ला जुकाम देगी, परेशानी दिमागी भी देगी ते नाल मानसिक तौर ते इकल्लेपन दा अहसास तुहानूं अज थोड़ा ज़्यादा होण वाला है। ते चंद्र राहु ने देखो पंजवीं दृष्टि पानी है जी सूरज ते शुक्र ते, इस करके परिवार विच माहौल नूं सही रखण दे लई थोड़ा निमरता नाल बोलना है तुसी, पानी च मिठास रखनी है ते हल्के रंग पहन लेने। टॉरस यानी ब्रिक राशि वाले, ब्रिक राशि वालों खूब सारे खर्चे होण वाले आ, केतु दा नक्षत्र बड़ा उतावलापन देण वाला है, बस जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम हो जाण ऐदां लगेगा। पैर गिटे ते सट तों भी बचना है ते नाल नानके जादाद के परिवार विच रिश्तियां विच मजबूती बनानी है, ना कि रिश्ते खराब करने ने जो तुहाडे हो रहे ने मंगल दी वजह करके। बहुत ज़्यादा अग्रैशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा आकड़ आले दुआला भी खराब करेगी ते मन नूं भी खराब ही करेगी। खर्चे सही जगह ते होण इस दे लई जरूरी रहेगा। तुसी की करना, एक ते रात नूं सफेद चीज़ का सेवन ना करो चंद्र सही, ते दूजा रसोई च बैठ के खाणा खाओ, जां तुसी चंद्र राहु दी युति दे लई अपनी भैन जां पंछियां नूं कुछ ना कुछ दे सकदे हो। बुध सही हो जाएगा जो तुहाडे धन स्थान का मालक है। जैमिनी यानी मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि वालों के लिए उच्च का बुध तो चलो हजे काफ़ी लंबा समा चलना है, इसने तुहानूं बहुत अच्छी एनर्जी भी देनी है। इनकम स्थान विच चंद्र राहु अज इनकम दे सोर्स जिथों जिन्ना सोचा सी उन्ना नहीं आने वाला। केतु का नक्षत्र किते ना किते पेट की प्रॉब्लम वखियां विच दर्द भी दे सकदा है। सूरज ने तुहाडे नेम फेम वधाया है, सर्कल वधाया है, पर नाल शुक्र ने बैठ के, बारहवें खाने के मालक ने बैठ के, ते चौथी दृष्टि मंगल ने बैठ के कुछ ना कुछ नैगेटिव भी किया है, ते तुसी सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है, ता ही उच्च का बुध तुहानू फायदा दे सकता है।
ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇਤੂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕੀ ਰਹੇਗਾ। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए गाजरी कलर लकी रहेगा। चंद्र राहु की जुति दसवें स्थान विच, कोई सरकारी कोई गैर कानूनी काम तुसीं नहीं करना, नहीं तो पुलिस जां कोई ना कोई चिट्ठी कोई नोटिस कोई कह सकते हैं कि अपने घर विच भी आ जाएगा तो परेशानी तुहाडी आप परिवारिक तौर पर भी बच जाएगी। चंद्र मन नूं इधर उधर भटका तो बचाना है तो नशे तो दूरी बना के ही रखनी है तो ही वधिया किते जा रहे हो मां दे पैरी हथ लगा के जाओ। लियो जानी सिंह राशि वालों के लिए किस्मत का साथ तो चलो मिलना है पर चंद्र राहु की जुति जो सूरज से पै रही है ना माता पिता नूं तुहाडी सैटिंग की बड़ी टेंशन रहनी है। विदेश लिए सितारे बेशक चंगे आ पर काम थोड़े जे डिले होके ही होणगे। कोखी दिमाग ते यह है कि हर चीज़ के अंदर तक जाया जाए तो कोई भी काम कर रहे हो उसनों पूरी तरह नाल सोच समझ के करो तो ही सफलता मिल सकती है। वर्गो जानी कन्या राशि वाले ग्रे कलर तुहाडा लकी रहेगा जी। कन्या राशि वालों के लिए चंद्र अज डाउन है, राशि तो अठवें है, केतू का नक्षत्र है, मित्र नहीं है, इस करके नुकसान वाले सितारे तुहाडे थोड़े जिहे रहणगे। खास तौर पर मानसिक तौर पर तो मन में मजबूत करने दुध मल के नहाना है, बुध को अच्छा करने के लिए हरी इलायची का सेवन कर लेना है, होर अच्छा हो जाएगा क्योंकि बुध के नाल चंद्र राहु की अठवीं दृष्टि पै रही है जिस करके चंद्र ते बुद्ध की छेवीं अठवीं दृष्टि जो मन ते दिमाग दोनों नू कन्फ्यूज जिहा कर रही है तो तुसी इन्हां नू पॉजिटिव किद्दां करना है दुध मल के ना सकते हो हरी इलायची का सेवन कर सकते हो। लिबरा जानी तुला राशि वाले, तुला राशि वालों के लिए जी क्रीम कलर लकी रहने वाला है। चंद्र राहु की जुति सत्तवें स्थान विच, पति पत्नी के स्थान विच, पार्टनरशिप विच काम करदे हो तो थोड़ा ध्यान नाल करो, पेपर वर्क ध्यान नाल करो, साइन वगैरह किसी भी चैक पर किसी नू देना है तो बहुत ही सोच समझ के दो। मन कहेगा कोई गल नहीं पर राहु ने कोई ना कोई उलझेवा पा देना है, कुछ ना कुछ रह जाना है जिस करके तुसीं उलझ जाना है। ठीक नाल ही लाइफ पार्टनर नाल भी अज संबंध जोड़ने थोड़े मधुरता वाले बना के रखो नहीं तो नुकसान हो सकता है। ठीक कच का गिलास यूज ना ही करो तो चंगा, तो चौल लैके पंछियों पा दो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले किसी पुराने रोग को लैके किसी बीमारी को लैके लो जी मैनू तो बहुत वड्डी बीमारी हो गई कितें आ ही ना हो जाए कितें ओ ही ना हो जाए, कुछ टैसट वगैरह तुसी करवा रहे हो कोई तुहानू डॉक्टर कह सकदा कि आ टैसट करा लो, चलो हल्के च ते नहीं लैना चाहिए पर यह भी नहीं कि अपने मन को बहुत ज़्यादा नैगेटिव कर लिया जाए तो अपने मन को तो थोड़ा पॉजिटिव रखो। चंद्र राहु दे नाल छेवें स्थान विच रोग बीमारी के स्थान विच थोड़ी नैगेटिव सोच रोग नू लैके बीमारी नू लैके कर्जे नू लैके दे रहा है तो इस चीज़ नू तुसी पॉजिटिव रखना है, मंगल नू मजबूती देनी है, जीभ ते शहद लगा लेना है ते नाल तुसी रैड कलर अज तुहाडा वैसे लकी रहेगा। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के सितारे औलाद ना मनमुटाव वध सकदा है, केतु का नक्षत्र मित्र नहीं है तो दूजा केतु बैठा भी तुहाडे इनकम स्थान विच है जो काफ़ी हद तक इनकम नू रोक भी रहा है तो उलझा भी रहा है, बाँह च दर्द भी दे रहा है ते नाल वाणी च थोड़ा जिहा तत्तापन भी आ रहा है शनि की वजह करके, ढीठ बन के कोई काम ना करो चंगा रहेगा। जो नक्षत्र चल रहे है जी अश्विनी इस करके तुसी काले चिट्टे तिल लैके अज जल प्रवाह कर दवो बहुत वधिया फल मिलेगा तुहानू ते लैमन कलर पहनो। कैपरीकॉन मकर राशि वालों के सितारे अज के दिन ठीक ठाक जे जाणगे ना बहुत ही वधिया ते ना ही घटिया, चौथे चंद्र वैसे ना तो ज़्यादा नैगेटिव करता पर क्योंकि राहू दे नाल है इस करके नुकसान तो बचना चाहिए, बचाव विच ही बचाए तुसी पढ़े है तो बस इस चीज़ करके कोई भी नवा फैसला कोई भी नवी इनवैसटमेंट थोड़ी देर लई टाल देनी चाहिए आ। दसवें बैठा जो केतु है वह कमांकारां लई कलपाहट तुहानू दे रहा, कम छुट सकदा जिन्नी देर तक नवा काम हाथ च नहीं आता तो एवें ही एक्सपैरीमेंट तुहानू नहीं करने चाहिए। पीली चीज़ का दान करना अज के दिन शुभता देगा। अक्यूरस यानी कुंभ राशि वालों की सितारे की गल की जाए तो फिरोजी कलर अज तुहाडा लकी रहेगा, नाल ही सूरज शुक्र की जुति तो बुद्ध का अठवें स्थान विच बैठना इदा लग रहा कि कोई नहीं रस्ता मिल रहा, कोई नहीं कह रहा कि बस आ चीज़ की सक्सैस हो जाएगी तो तुसी किसे तो सुनना क्यों है, अपना काम करो अपने काम विच पूरी सक्सैस मिलेगी। तुहानू शनि की बृहस्पति दृष्टि है, बृहस्पति जो है वह बैठा है तुहाडा वाणी दे स्थान ते जो काफ़ी कुछ तुहानू चंगा दे सकदा है, बस बुध डाउन है इस करके थोड़ा जिहा इंतजार ते सोच समझ के किते काम सफलता दे जाणगे, सर्कल दा पूरा साथ मिल जाएगा। केतु दा नक्षत्र है नौवें स्थान विच है ते उस दे लई तुसी की करना है जी, कुत्ते नू कुछ ना कुछ पा देना है ते नाल ही मत्थे ते केसर लगा लेना है। पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए जामली कलर लकी रहेगा ते नाल
क्योंकि चंद्र राहु दी युति धन स्थान विच है, इस करके पैसा आएगा भी ते जाएगा भी। पर जो ग्रह चल रहे हैं ना नक्षत्र दे मुताबिक केतु अठवें स्थान विच है तां शरीरक तौर पर अंदरूनी गठां तुहानू परेशान कर सकदियां ने, जो कि शुभ नहीं। राहु दा दूसरे बैठना भी ज़्यादा शुभ नहीं मन्या जांदा घर परिवार लई धन लई। तां उदों तक तुसीं केसर दी डब्बी कोल रखनी है। अज चंद्र पैसा देवेगा जरूर पर नालों नाल खर्चे भी तैयार ही रहणगे। वैसे नक्षत्र भावें मित्र नहीं है पर अठवें स्थान विच बैठा होण करके अगर तुसीं इस दा उपाय कर रहोगे तो चंद्र दूसरे स्थान विच उच्च दा मन्या जांदा ते अपने मित्र दे घर है ते मित्र ही है जी मीन राशि वालियां दा मंगल ते चंद्र दोनों ते अज राहु पूरी तरह नाल शांत रहे। इस दे लई केसर दी डब्बी रखो अपने कोल ते केसर मत्थे ते जां हल्दी पानी विच पा के इशनान कर लो। बड़ा छोटा जिहा उपाय, बड़ा सिंपल जिहा उपाय, सब सही हो जाएगा। ठीक ऐसी दोस्तों तुहाडे सितारे मेष तों लैके मीन राशि विच बैठ के की प्रभाव पाउंदे ने ग्रहां मुताबक गोचर ते नक्षत्र मुताबक। देखो कई बार तुसीं सुनिया होना है कि कहिंदे आ कि पहली रोटी कुत्ते नूं जां इक रोटी दे चार पीस करके कुत्ते नूं गां नूं ते कावां नूं पाउण ते बहुत अच्छा शुभ फल मिलता है। पर श्राद्धां दे दिनां विच अगर गां ते कावां नूं रोटी पाई जावे तां बहुत ही शुभ मन्नी जांदी है। तां इस करके तकरीबन इन्हां दिनां दे विच मिठे दे नाल जां रोटी दे उत्ते देसी घिओ लगा के अपने घर दी छत ते भी रख सकदे हो तुसीं। पर इन्हां दिनां च हमेशा छत ते रोटी नहीं पानी चाहीदी, अपने वेहड़े विच जां तुसीं प्लेट विच पा के घर दी कंध ते रख सकदे हो। पर श्राद्धां दे दिनां विच कावां नूं रोटी पाउणी बहुत शुभ मन्नी जांदी आ। कहिंदे आ कि इस दे नाल एनर्जी शुभ हो जांदी आ ते वड्डे वडेरियां दा आशीर्वाद मिल जांदा है, क्योंकि किते ना किते कां जो ने ना शनि दे कारक मन्ने जांदे आ ते शनि जो है ग्रहां विच जज दा कारक मन्नेया जांदा है जो कि रात दा कारक है ते रात जो है ये तुहानू पता ही है फिर रात दे हनेरे दे जो ग्रह ने ये एनर्जी ते छाया दे ग्रह मन्ने जांदे आ। तां इस करके इन्हां दिनां दे विच श्राद्धां दे दिनां विच इक रोटी ते देसी घ्यो ला के कुछ मिठा रस करदो जां सब्जी रख के जां कुछ भी कुछ लगा के उपर तुसीं कावां नूं जरूर पाओ जां गां नूं पाओ। की होएगा वड्डे वडेरियां दा नां लै के पा दो, खावे कोई भी किसे नूं कुछ मिल रहा एनर्जी तां पॉजिटिव आ ही रही है ना। ठीक चलो समा हो गया जी इजाजत दा, आप सब दा अज दा दिन बहुत ही अच्छा जावे। खुश रहो, मुस्कुराउंदे रहो जी। मैनूं दो इजाजत, सत श्री अकाल।